रुबीना ने चिक चिक ज्यादा की है। सॉरी महंगी गाड़ी में ट्रैक्टर का इंजन फिट कर दिया, बुढ़ापे में आदमी सिटी आ जाता है। चिकना चिकना आ रहा हूँ। जैस्मिन अली की होने वाली वाइफ है, जैस्मिन अली की होने वाली वाइफ है और ये वीडियो उनकी ठग लाइफ है। क्या बात है। शहनाज और सिडनाज के बाद पेश है जैस्मिन भसीन ठग लाइफ। आ जाओ फिर चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, काट दूंगी। तो शुरू करते हैं रुबीना ना अभिनव से। एक रुबीना अभिनव, एक मिनट यार, वीडियो जैस्मिन ठग लाइफ पे की रुबीना पे है? नहीं है तो जैस्मिन ठग लाइफ पे ही। चलो देखते हैं। आओ तो शुरू करते हैं रुबीना ना अभिनव से। एक होती है मैरिड वाली जोड़ी और एक होती है हैप्पी वाली जोड़ी, लेकिन ऐसे बहुत कम जोड़ियां होती हैं जो कि हैप्पीली मैरिड होती हैं। कि हम एक ऐसी जोड़ी से मिलने वाले हैं। रुबीना अभिनव को हैप्पीली मैरिड कह रहे हैं क्या? जोड़ी के जोड़ में कितनी शक्ति है। गाना मस्त लगाया है। हमारे पति देव जी, हमने एक दूसरे को नवंबर तक का टाइम दिया था। We were about to get divorced. ये क्या है? लेकिन रुबीना और अभिनव की जो अंडरस्टैंडिंग है यार, शॉक हो गया। अलग ही लेवल की है। तुम क्यों इतना विफल रहे हो? देखिए हम तो है ही काम धेनु। या राइट, बहुत काम धेनु नहीं काम चोर। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस बाबू, सीरियसली इट्स नॉट द सॉरी सॉरी सॉरी। दो दोस्त जब दुश्मन बनते हैं तो यार अलग ही मजा आता है। जैस्मिन मैं चाहती हूँ तुम सिलेक्ट हो जाओ। हाँ यार मैं भी, मैं रिजेक्ट पहले ही दिन शो की शुरुआत ही ऐसे अपने माथे पे रिजेक्ट से नहीं करवाना चाहती। अब ठीक है के वो बुरा नहीं मानती, वो बात का बतंगड़ नहीं बनाती। स्वीट है। हेलो रुबीना, जैस्मिन अगला में है। जैस्मिन कॉमेडी, कोई और रूप तो नहीं दिखाओगी बहन? सॉरी 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 सॉरी। मैंने और अभिनव ने सबसे ज्यादा यार राइट। हाँ एक और। ओह नो, यार राइट। रुबीना ने चिक चिक ज्यादा की है। देखो यार मैं हंस भी नहीं सकता। सॉरी सॉरी पड़ जाते हैं। बाबा नहीं, अब बाबा नहीं, अब बाबा नहीं। अगर कोई बात के बात को लेके कोई और बात लेके जा रही है। सॉरी सॉरी। लोगों के पास ड्रेसिंग सेंस होता है। ओके, रुबीना के पास इनका रोस्ट वीडियो है पर सेंस वो शायद मलाड में छोड़ के आ गए। सॉरी सॉरी। बार्गेनिंग चिप इनको बाथरूम से करना चाहिए था, खाने से नहीं करना। भाई बनाने वाले ने पूरा रुबीना भर दिया। नाउ आई एम टॉकिंग, यू विल लिसन। सर उसके बाद ऑर्डर ऐसे देती है जैसे मेरी रिश्तेदार है, मेरी सास है ये। अब बात करते हैं कि तब बोलेगी। लड़कों के इमोशंस के साथ तो मैं खूब खेलूंगी, लेकिन रोमांस या फिर किस ऐसे कभी नहीं कर सकती। निकी का थोड़ा बोल्ड और अलग वाला अवतार है। बंदा जो बोल रहा है उसका उल्टा दिखा भी रहा है। एनआईआर लगती है पर जब बेचारी मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है कि किसी महंगी गाड़ी में ट्रैक्टर का इंजन फिट कर दिया। आवाज थोड़ी है। इफ यू कम नियर मी आई विल किक यू हार्ड। बूते पे नहीं हो यहाँ पे, आप सिर्फ बहुमत पे हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपको अच्छा लगता है? आप वैसे ही हो बाहर भी, आप ऐसे ही हो? बिल्कुल। कैसे हो आप बाहर बताओ जैस्मिन? बहुत कमाल। जास जी मैंने बोला था टीम फरिश्तों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पर टेक्निकली नियम ज्यादा तोड़वा के टीम शैतान जीती है। लेकिन मेरे हिसाब से आपने बोला अभी अजाज अच्छा दोस्त बन गया। दो लोगों को लगता है कि मैं स्मार्ट हूं और चालाक हूं, जो भी लगता है। और आप लड़कियों में सबसे ज्यादा लगता है फेक 100%। बड़े बूढ़े होते हैं घर के, वो बहुत समझदार होते हैं राइट, पर आपको देख के मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको देख के पता कौन सी कहावत याद आती है मुझे? बुढ़ापे में आदमी सटी आ जाता है। ऊपर वाला भूल गया, बस भूल गया तो इन लोग का स्क्रिप्टेड है। कितना हेट और नफरत देखना। आप घर के अंदर प्यार फैलाने जा रही हो? जी सर। पर देखो हुआ क्या, चुपचाप चलिए वहाँ पे बैठिए, चुपचाप बैठिए। जी हाँ आप बिग बॉस नहीं है ना, कि ना ही वो बिग बॉस, तभी आप रेड जोन में है। जो पहले की सीख ही नहीं आई है तभी रेड जोन में। आप मुझे इनका और अली का एक बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ था। दोस्त ज्यादा दुश्मन बना, उनमें से एक दुश्मन थी जैस्मिन भसीन। मेरे को मारे आज थप्पड़, तेरे को भी मार देगी दो तीन दिन में। कौन से थप्पड़? किचन में मार नहीं रही थी थप्पड़। ताना कसम
करिए ना। हाँ तो दिल अगर दुखा है तो आके ढंग से बात करो कि दिल दुखा है। पीछे से इतना ताना मारती रहती हो यार। अगर तेरा दिल दुखा है, मेरी मर्जी बोलूंगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है मैडम, परेशानी है तो उठ के अंदर चली जाओ। के साथ खेलने लगती हैं। ये वाला तो सलमान खान बड़ा एंजॉय कर रहा था, मैंने देखा ये वाला। बहन बात करें, अच्छा मैं आपका दुख बांट लेती हूँ, और फिर सडनली अगर बांट लिया, इनको कोई बुलाता नहीं है। आपने खाए थे सुबह दो पराठे? वो कह रही है आप, अभिनव ने बोला आपने खाए हैं दो पराठे, और उन्हीं के सामने उन्होंने अपने पति को बोला मैंने। ये वाले ड्रेस में अच्छी दिख रही है, देख लो पति झूठा है या बीवी झूठी है, डिसाइड कर लो। पति झूठा है या बीवी झूठी है, पराठे के लिए लड़ रहे हैं। ये वाला सीन है ना, बात मुझे बिल्कुल बकवास लगी। ये फेवरेट है मेरा, इस वीडियो में भी ये सबसे बेस्ट है। तुम तो पैर के बर्तन कर, बर्तन नहीं करूंगी, बर्तन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों ऐसा? मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। बहाना तो देखो, जान यहाँ पे फैलना ही यार, कि तुम देखो तुम बर्तन नहीं करना चाहती कि तुम्हारा नाखून खराब हो जाएगा। वेरी वेरी बैड एक्सक्यूज, बहुत ही खराब एक्सक्यूज है। तो नहीं करना है तो ये तो ऐसा है, कुछ और चल रहा होगा, अपन गैस नहीं कर सकते। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब। भाई राहुल और जैस्मिन का तो जो झगड़ा होता था, और आज दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं। लाइफ इज इजी, समझने की देरी है, नहीं समझा तो टूट जाऊंगी, लेकिन नहीं छोड़। बात ही नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, क्या डोरमैट की तरह ट्रीट किया, आप खुद ट्रीट हो गई हैं, ये आप खुद को समझती हैं जो आप कह रही हैं। मैंने आपको कुछ भी ट्रीट नहीं किया है, आपके तेवर जितने बदल गए हैं ना वो दिख रहे हैं। आपके पास मैं ही आई थी जब आप अकेली, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास जाती हैं अपना दिखने के लिए और अपने आप को महान दिखाने के लिए। दिखने के लिए? हाँ, बिल्कुल। कोई बाहर से बोल जाता है, होता है ना वैसा ही सोचता है, जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। बहुत अच्छी बात बोली है कि अली के रिश्तों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई छेड़ रहे हैं लोग। अली के रिश्तों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात कही तुमने, अब तुम इसके ऊपर पलट क्यों रही हो? मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे तो वो मेरा या मेरे पास रहेगा, तो कॉन्फिडेंस बड़ा तगड़ा है, और आखिर में हुआ भी वही। और सभी सारे एक्टर्स हैं अपना ऑन स्क्रीन नाम। ये जैस्मिन का कोई सीरियल है जो तुम लोग बोलते हो ना, टशा ने इश्क, शायद वो होगा, देखते हैं क्या है। रखते हैं कि मुझे ये नाम चाहिए था। सीरियल में दोनों झगड़ा करते हैं क्या, जो यहाँ पे उड़ा रही है उसकी चिकना, कहाँ से चिकना भाई। नाउ यू कैन सी अस बोथ, और अभी फिलहाल हमारे कपड़ों में आप देख सकते हैं उतने अमीर नहीं है, हमारे पास उतने गरीब है, लेकिन हम धीरे धीरे हमारी फिक्स डिपॉजिट करा रहे। कौन से बैंक में? इच्छाधारी कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ सिर्फ नागिन वाले उस शो से आई है। मनी करेंगे डिपॉजिट, हमको अच्छे खासी इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि हमारे अभी के आरबीआई रूल से ज्यादा इंटरेस्ट। हमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी जबान स्वाइप हो कैसे है सर? मैं आ रहा हूँ, पिक्चर दिखा दूंगा, गुल्फा करा दूंगा। पगली है यार पूरी। ये दोनों क्लिप देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनके सीरियल वाली क्लिप देखने चाहिए, बड़ी मजेदार होगी। क्योंकि तो ये ठग लाइफ बनाने वाले के एफर्ट्स अच्छे हैं, लेकिन यार पर्सनली मुझे लगा कि जबरदस्ती वीडियो को लंबा किया गया है। मतलब जैस्मिन से फोकस भी हटा हुआ था, बट कोई नहीं यार, जैस्मिन की ठग लाइफ से ज्यादा उसका क्यूट और प्यारा वाला अवतार मुझे ज्यादा पसंद है। जैस्ली फैन एडिट्स वाली वीडियो में भर भर के प्यार डाल दिया जाएगा, फिक्र मत करो। चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, काट दूंगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इट्स ओवर।